हेलो डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ ज़मीर शेख, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस यू द सम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द पेपर गेट 2021. द सब्जेक्ट इज CY केमिस्ट्री. चलिए प्रोसीड करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो मेमोरी बेस्ड हैं, जितने क्वेश्चंस याद हुए थे सब क्वेश्चंस को रिकॉल करके लिखा हुआ है, तो मे बी कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड जितना हो सके उतना अपन इसको अच्छे करने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था ये वाला, ये आता है पेरिसाइक्लिक के हिसाब से. और एक मॉलिक्यूल दिया था जहाँ के ये वाला एक मॉलिक्यूल आपका रिएक्टेंट है और एक दूसरा उसके साथ हमने दिया था ये वाला, ठीक है. इसको अगर हम हीट के प्रेजेंस में करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका आया है बेसिकली पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से. पेरिसाइक्लिक का मतलब ये होता है कि रिएक्शन विच इज प्रोसीड वाया कंसर्टेड साइक्लिक मैकेनिज्म, है ना, जो एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू एक रिएक्शन जाती है. पेरिसाइक्लिक का मतलब होता है अराउंड अ साइकिल, ठीक है. मतलब ये रिएक्शन में आपको साइक्लिक इंटरमीडिएट मिलेगा और बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा, ओके, और उसके बाद हमारा प्रोडक्ट होगा. तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका पेरिसाइक्लिक एक रिएक्शन है, इसका नाम है साइक्लो एडिशन रिएक्शन. साइक्लो एडिशन का मतलब ये होता है कि जब हम दो अनसैचुरेटेड पार्टनर्स को रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो हमको एक साइक्लिक प्रोडक्ट मिलता है और जहाँ पे नंबर ऑफ जो पाई बॉन्ड्स जितने ब्रेक होते हैं उतने ही सिग्मा बॉन्ड्स हमको बनते हैं, ठीक है. चलिए इसका मैकेनिज्म देखेंगे अपन पहले. तो साइक्लो एडिशन जो है ये दो टाइप्स के होते हैं, तीन टाइप्स के होते हैं बेसिकली, 2+2, 4+2, ये मेन कैटेगरी होगी, और एक और भी है 1.3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन. तो इस रिएक्शन में सिस प्रिंसिपल मेंटेन किया गया, यानी कि ये 4+2 अगर है तो. तो चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं. तो सबसे पहले मैकेनिज्म में किस तरह से दिया है हमारा, लुक दिस. तो पहला आपका मॉलिक्यूल है जो रिंग ओपनिंग होगा, ठीक है, और रिंग ओपनिंग के बाद, रिंग ओपनिंग होने के बाद हमको एक अनसैचुरेटेड पार्टनर सबस्टेट हमको मिलेगा, और उस सबस्टेट में ऑलरेडी हमारे पास 4π इलेक्ट्रॉन सिस्टम दिया हुआ है. सो दिस इज 4π इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और हम इसके साथ एक 2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम की रिएक्शंस कर रहे हैं, एंड दिट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट लाइक जस्ट लाइक अ डाइसल्टर रिएक्शन, ओके. सो 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन हो गया आपकी, और इसका जो प्रोडक्ट है आपको साइक्लोहेक्सीन मिलता है, राइट, दिस वन. तो यहाँ पे एक न्यूली सिग्मा बॉन्ड आपका डेवलप हुआ है, कौन से वाला, सो यहाँ पे मैं आपको मेंशन करूँगा. सो दिस इज ए सिग्मा बॉन्ड, ये वाला एक, ये वाला एक, ये दो आपके सिग्मा बॉन्ड बनते हैं यहाँ पे. और हमेशा हमको पता है कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन में व्हाट एवर द सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट ऑन व्हाट योर डाई, दे ऑलवेज मेंटेन द सिस रिलेशनशिप. इसलिए ये वाला आपका पीएच और ये पीएच सिस रिलेशनशिप मेंटेन करेगा, और आपका CO2Me जो है वो बैक साइड से रहेगा. सो इस तरह से इसका जो आंसर है वो ये वाला था, ठीक है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डाइसल्टर रिएक्शन. सो 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, एंड दिस विल द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन हियर. सो एक मॉलिक्यूल दिया था जिसमें आपका ऑलरेडी एक कार्बोनिल कंपाउंड है और उसका एक इनॉल फॉर्म दिया हुआ है. इस पर अगर हम बेस डालेंगे सबसे पहले तो वो प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है. या तो फिर सबसे पहले क्या हो सकता है, व्हाट इज द सेकंड प्रोबेबिलिटी, सेकंड क्या होता है आपका कि इसको हम इनॉल फॉर्म को कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि टॉटोमेरिज्म कर सकते हैं, और फिर हम बेस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. तो एक पॉसिबल इसका मैकेनिज्म जो है वो इस तरह से हो सकता है आपका. इसको अगर हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया तो आपका ये वाला बनेगा, और उसके बाद हम यहाँ पे उसको पोटेशियम जो है अमाइड, है ना, तो उसके थ्रू अगर हम रिएक्ट करेंगे तो वो आपका बेस है, इट विल अब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन, और जैसे वो प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करता है फिर हम उस पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करते हैं लाइक दिस वन. तो ये पॉसिबल इसका प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है. चलिए अनदर क्वेश्चन है आपका ये वाला. सो अगर हम इस कंपाउंड पे, है ना, सो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ मैं. यहाँ पे हमने जो है कंपाउंड दिया हुआ आपका सब्स्टेट एरोमेटिक रिंग है, और ZnCl2 क्या करता है, एक लेविस एसिड है, और लेविस एसिड क्या करेगा आपका, है ना, ये आपका इस तरह से इंटरेक्शन होगा ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ, वो इंटरेक्ट करेगा, और फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल लिथियम क्या करता है, सो ये वाला हमेशा अर्थ हाइड्रोजन जो है वो अब्स्ट्रैक करेगा, और जिसकी वजह से आपका वो हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक करने से इस प्रोसेस को बोला जाता है आर्थोलिथाइशन. क्या बोलेंगे इसको अपन, आर्थोलिथाइशन. और आर्थोलिथाइशन होने के बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है वो ये वाला, वो आपका कनेक्ट हो जाएगा. सो फाइनली आपका जो आंसर है वो इस तरह से रहेगा आपका, ZnCl2 लेविस एसिड के साथ बाइंड होगा, यानी कि लेविस एसिड बोलकर काम कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल लिथियम एज अ स्ट्रांग बेस का काम कर रहा है, तो ये इस तरह से रिएक्शन होनी चाहिए आपकी, ओके, और ये BR आपका
डिस्प्लेस होके, इट्स अ टाइप ऑफ एन, सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्थोलिथिएशन. ठीक है, अब इन कंपाउंड में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे पहले प्रोसीड होगा आपका. ठीक है, जनरली हमारे पास एक मैकेनिज्म है जो हम इसको बताते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले कंपाउंड में आपका मिथॉक्सी ग्रुप दिया हुआ है, दूसरे कंपाउंड में N3 ग्रुप दिया हुआ है. ठीक है, अजाइड, यहाँ पे आपका आयोडीन दिया हुआ है और यहाँ पे आपके पास ये दिया हुआ. तो इन कंपाउंड में से हमको क्या करना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट होगा. देखो N3 जो होता है जनरली गुड लिविंग ग्रुप होता है इसमें, बट N3 का क्या है कि हमको N2 और N इस फॉर्म में रहना चाहिए वो. ठीक है, बट N3 जो है उसमें आपका डिस्प्लेस नहीं हो सकता. तो ये वाला जो सबस्टेट है मिथॉक्सी ग्रुप वाला, ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है कि जो ड्यू टू द नाइट्रो ग्रुप इज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर, तो उस वजह से क्या हो सकता है कि ये आपका एडिशन एलिमिनेशन में आपका जा सकता है. एडिशन एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपको आप सबसे पहले कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, देन उसके बाद हम उसमें रेजोनेंस दिखाते हैं और देन आपका लिविंग ग्रुप आपका डिस्प्लेस होता है. ठीक है, चलिए, तो अनदर क्वेश्चन है आपका ये वाला. ये सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा कैरुथर की बुक में. तो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या होता है कि सबसे पहले आपका बेस दिया हुआ है. ठीक है, यहाँ पे एक अमाइड को प्रोटेक्टिंग, अमाइड प्रोटेक्शन का एक ये वाला इतना जो है, ठीक है, इसको कंपाउंड है आपका ये वाला. LD अगर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस जो है आपका यहाँ से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, फिर आपका इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो है ये इतना हो जाएगा एंड देन रिडक्शन. चलिए देखते हैं, लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस. तो सबसे पहले क्या हो गया आपका, यहाँ पे प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन हो गया, राइट. फिर हम इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कर रहे हैं इस पर. इलेक्ट्रोफिलिक अटैक आपका इस तरह से होगा CH2 के ऊपर और आपका BR बाहर निकल जाएगा. ठीक है, सो बट ये जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है वो हमेशा होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन दिस ग्रुप. तो ये ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है ये इंपॉर्टेंट है. अगर ये फ्रंट साइड से दिया हुआ है तो इट विल बी ऑन योर इनकमिंग ग्रुप, विल बी ऑन बैक साइड. अगर ये बैक साइड से है तो इट विल बी ऑन फ्रंट साइड. इस रिएक्शन का एक असिमेट्रिक सिंथेसिस में रिएक्शन को दिया गया है, देन हम इसको रिडक्शन कर रहे हैं. रिडक्शन जैसे हम करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, योर फाइनल प्रोडक्ट विल बी द अल्कोहल. ठीक है, दिस विल द प्रोडक्ट एंड दिस विल बी योर जो प्रोटेक्टेड ग्रुप था वो आपका बाहर निकल गया. तो इस रिएक्शन को हमने जो है, इस रिएक्शंस को हमने एक नाम दिया है, इस रिएक्शंस का एक नाम है एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट द इवांस इवांस एंडर्स एंड अल्किलेशन, है ना. तो इस रिएक्शन को अपन असिमेट्रिक अल्किलेशन बोल सकते हैं एंड दिस रिएक्शन इज विद द हेल्प ऑफ सैम्प एंड रैम्प ईवी हम कर सकते हैं. इसमें तीन रिएजेंट है, LDA स्ट्रॉन्गर बेस है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो रहा है आपका और रिडक्शन ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप. ठीक है, इस तरह से अपन कर सकते हैं उसको. चलिए, अब इन कंपाउंड में से आपको आइडेंटिफाई करना था विच इज़ अ नॉन हीम प्रोटीन. अब प्रोटीन हमको पता है कि जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली, जिनका लार्ज मॉलिक्यूलर वेट होता है, इनमें से हीम मतलब क्या होता है, जिनमें पॉर्फिरिन रिंग होता है. पॉर्फिरिन रिंग मतलब जो पायरल कंटेनिंग रिंग जो होती है मिथाइन ब्रिज से कनेक्टेड वाली, वो उसको पॉर्फिरिन रिंग बोलते हैं. और वो वाला यूनिट अगर होगा किसी में तो अपन उसको हीम बोलते हैं. ठीक है, तो हीम मतलब आयरन कंटेनिंग सिस्टम हो गया. अब इसमें से आपके पास जो एग्जांपल दिए हैं, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर निकाले सबके, साइटोक्रोम P450 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ काम करता है, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो भी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. ठीक है, अब रहा आपका कौन, हीमोसाइनिन. चलिए बात करते हैं अपन हीमोसाइनिन की. पहला है आपका साइटोक्रोम P450, इसमें भी हीम ग्रुप दिया हुआ है आयरन के साथ. सेकंड है आपका हीमोग्लोबिन, उसमें भी आपका हीम ग्रुप दिया हुआ है. और तीसरा है आपका एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल है मायोग्लोबिन. मायोग्लोबिन में क्या दिया हुआ है, मायोग्लोबिन में दिया हुआ है आपका हीम यूनिट. ठीक है, इसका मतलब जो इसका जो करेक्ट आंसर जो था वो आपका वो कौन है, हीमोसाइनिन. हीमोसाइनिन का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें आपका ये नॉन हीम नॉन आयरन प्रोटीन होगा. ठीक है, मतलब इसमें आपका कॉपर एज ए सेंटर रहेगा. ठीक है, चलिए, सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, हीमोसाइनिन. ये क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच इज अ न्यूक्लियोटाइड. अब न्यूक्लियोटाइड में आपको एग्जांपल दिए RNA, DNA, यूरिडीन और AMP. ठीक है, इनमें से आपका जो करेक्ट आंसर है वो DNA है. अब DNA मतलब क्या होता है कि जो इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अट न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, तीन पार्ट से बनते हैं. मेजोरिटी ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड फ्रॉम थ्री पार्ट्स और इसको अपन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ DNA बोल सकते हैं. और इसमें तीन पार्ट्स होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप, 5-carbon sugar, ठीक है, और होता है आपका नाइट्रोजन बेस. इस तरह से हमारा बना हुआ. ठीक है, इसलिए न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं किससे बने रहते हैं आपके, मतलब DNA आपका किससे बना रहता है, इट इज अ पॉली न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है उसको. ठीक है, इसका मतलब ये आंसर इज व्हाट, दिस वन. विच इज द लीस्ट एसिडिक कंपाउंड, इनमें से आपका सबसे कम एसिडिक कंपाउंड कौन होता है. अब कम एसिडिटी के लिए हम क्या करते हैं कि देर इज अ वन कंडीशन इज देयर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, बराबर है, एसिडिटी बोल सकते हैं इसको, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa वैल्यू. फिर हमने क्या किया इन सब के, या फिर हम बता सकते हैं कि जो जितना स्टेबलाइज करेगा वो उतना ज़्यादा आपका एसिडिक होगा, है ना, नेगेटिव पार्ट.
आफ्टर लूजिंग प्रोटॉन द नेगेटिव पार्ट विल बी शुड बी स्टेबिलाइज. पहला एग्जाम्पल आपका बेंजोइक एसिड, दूसरा एग्जाम्पल आपका अर्थोहाइड क्या बोल सकते हैं इसको, एनिसोल है ना, या फिर थ्री मिथॉक्सी फिनॉल भी बोल सकते हैं आप. उसके बाद बेंजीन सल्फोनिक एसिड और बाद में है आपका एसिटाइलिन. इनमें से सबसे पहले हमने पी के वैल्यूज आइडेंटिफाई किए. तो पहला पी के वैल्यू देखो किसका दिया है, पी के जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के. जितना ज़्यादा पी के है उतना वो कम एसिडिक. सो फर्स्ट एग्जाम्पल जो रहेगा इसका बेंजोइक एसिड, उसका पी के है कितना 4.20. बेंजीन सल्फोनिक एसिड का पी के दिया है -2.8. देन ये जो कंपाउंड दिया है आपका जिसका नाम है 3-methoxy फिनॉल, इसका है 9.65 और जो एसिटिलिन है उसका है आपका 25. जो हमने मार्क किए हाइड्रोजन उनकी एसिडिटी की बात कर रहे हैं. तो सबसे कम आपका पी के जिसका रहेगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा. तो आपके पास जो आंसर रहेगा वो कौन है आपका, बेंजीन सल्फोनिक एसिड. सो योर करेक्ट आंसर इज व्हाट, सी. चलिए अब हमको निकालना है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एमओ एंड एमओ, यानी कि मॉलिब्डेनम एंड मॉलिब्डेनम. इस कॉम्प्लेक्स में आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालनी है और ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप होता है, यानी कि सिर्फ आपको एक नंबर लिखना होता है, वो भी नंबर आपका एक्यूरेट होना चाहिए तभी आपका आंसर करेक्ट रहेगा. तो इसमें आपके पास जो एग्जाम्पल दिया है वो N5CP दिया हुआ है, देन मॉलिब्डेनम एंड कार्बोनाइल्स, टू कार्बोनाइल्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट ट्वाइस. तो इस कॉम्प्लेक्स में हम जो है किस तरह से अप्लाई करेंगे, ये एक फार्मूला है आपका और एक उस बेस पे हम निकाल सकते हैं. नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड जो निकालने का एक फार्मूला है और उस फार्मूले के बेस पे हमने इसको आइडेंटिफाई कैसे किया कि 18 × n माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2. अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है. तो सबसे पहले देंगे 2N5CP, तो इसमें आपका एक CP जो होता है 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 5 × 2 मतलब हो गया 10 इलेक्ट्रॉन. फिर हमारे पास है दो मॉलिब्डेनम, ईच मॉलिब्डेनम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन D4S2, दैट इज 6 × 2, सो इट इज 12 इलेक्ट्रॉन्स. एंड लास्टली व्हाट, वी हैव टोटल 4 CO आर देयर. 4 CO मतलब 2 × 4, एक CO आपका दो इलेक्ट्रॉन डोनर है और इस वजह से टोटल हो गया 8 इलेक्ट्रॉन. सो अगर हम काउंट करेंगे इसको, सो 10 + 12 + 8, सो इट बिकम्स ए 30. एंड अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला पुट अप दिस वैल्यू 18 × 2 मेटल माइनस 30 / 2, सो योर आंसर विल बी 36 − 30 / 2 एंड योर 6/2. नाउ फाइनली यू गेट द 6/2, योर आंसर शुड बी व्हाट, 3. नाउ सो बेसिकली देर आर 3 mm बॉन्ड्स आर देयर एंड अकॉर्डिंग टू सम रेफरेंस वैल्यूज योर स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड इज लाइक दिस वन. सो मॉलिब्डेनम हैव 3 metal-metal बॉन्ड एंड इफ यू फाइंड आउट दिस टोटल इलेक्ट्रॉन, तो 1 mm बॉन्ड जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमने इस तरह से इसको डिवाइड किया तो आप यहाँ पे देख सकते कि ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल है. इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके 5 हो गए, इसके 6 हो गए, ठीक है. सो 2 + 2 = 4 + 5 = 9, 9 + 6 कितना 6 = 15, और 15 और उसके बाद ये एक एक मेटल बॉन्ड के एक एक इलेक्ट्रॉन, इधर 3 जाएंगे इधर 3 जाएंगे. तो इस तरह से आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है. चलिए ओके, लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन. रिएजेंट दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट दैट हेक्स 3 इन, तो आपको जो अल्काइन है उसका कन्वर्शन आपको किस में करना है, आपको हेक्स 3 इन में करना है, ठीक है. तो बट वो ट्रांस होगा कि सीस होगा, सो डिपेंड करता है. देखो LH क्या करता है, LH जो है इसका रिडक्शन नहीं करेगा, ये तो नहीं हो सकता आपका. H2PDBSO4 क्या करता है, वो सीस में करेगा और ये क्या करता है आपका, ट्रांस में करेगा. तो जो ऑप्शन याद है उस हिसाब से देखा जाए तो हेक्स 3 इन का कन्वर्शन हेक्स 2 इन में करेगा. वो भी अगर ई चाहिए हमको तो हम ले सकते हैं लिक्विड अमोनिया, ठीक है, सोडियम या लिथियम लिक्विड अमोनिया. अगर आपको जेड चाहिए तो आप ले सकते हो H2PDBSO4, ठीक है. देन एक अनदर रिएक्शन थी आपकी, जस्ट लाइक इट इज अ शैपिरो रिएक्शन, बट वो शैपिरो नहीं है, ठीक है. इसका नाम है इशन मोजर तनाबे फ्रेगमेंटेशन, ठीक है. इस रिएक्शन में, चलिए सो नाउ इन दिस रिएक्शंस वी हैव व्हाट स्ट्रांग बेस इज गिवन एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट हाइड्राजोन सिस्टम. क्या करता है, स्ट्रांग बेस प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, देन कुछ रीअरेंजमेंट होगा यहाँ पे और फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस से आपका पूरा स्ट्रक्चर आपका ओपन हो जाएगा. एंड दिस नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द इशन मोजर तनाबे फ्रैगमेंटेशन. ओके, नाउ विल सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस वन. सो सबसे पहले बेस क्या करता है, बेस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, ठीक है. स्ट्रांगर बेस है आपका तो यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा बिकॉज टॉसिल ग्रुप इज देयर. सो वो इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा होता है बेसिकली, वो विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी अपनी तरफ, तो आपका जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हो गया. बेस आपका एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन, स्ट्रांगर बेस अगर हमने लिया है तो, ठीक है. देन उसके बाद आपका सपोज से एग्जांपल अगर हमने N-butyllithium लिया है, ठीक है, ये वाला,
आगे क्या होगा आपका, जैसे प्रोटॉन अब्सट्रैक्ट करता है सो दैट नेगेटिव चार्ज विल बी ट्रांसफर टू हियर एंड द स्ट्रक्चर विल बी ओपन, सो इपॉक्साइड विल बी द ओपन इन दिस फैशन। जैसे आपका इपॉक्साइड ओपन हो गया सो देन स्ट्रक्चर अगेन रिवर्स बैक टू नाइट्रोजन बिकॉज योर एन टू एंड टी एस आर गुड लिविंग ग्रुप। तो इसमें आपका क्या हो रहा है, सबसे पहले नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन का है वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन रहेगा आपका, और ये एन टू और ये टी एस आपका इस तरह से बाहर हो गया। तो यहाँ पे मैकेनिज्म अगर हम देखते हैं तो हमको जो है आपका कार्बोनिल कंपाउंड भी है और साथ में आपका ट्रिपल बॉन्ड भी, तो इस तरह से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये रहेगा आपका। सो द फाइनल आंसर शुड बी लाइक दिस वन एंड द नेम ऑफ द वन ऑफ द सिंपल एंड बेसिक रिएक्शन वाज कॉल्ड द एशियन मोजर तनाबे फ्रेगमेंटेशन। नाउ दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, हाउ मेनी एच वन एन एम आर सिग्नल्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस कंपाउंड। अब अगर इसको देखा जाए तो वैसे तो सारे मिथाइल कीटोन जो है, यानी कि जो मिथाइल जो लिए रेड पोर्शन रेड कलर में जो मेंशन किया है, ये सब सेम ही दिखते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका सारे ए सारे जो रहेंगे वो ए ही रह सकते हैं, बट अगर हम बात करते हैं किसी बी आर की, यहाँ पे जो आपका बी आर दिखता है ना वो गड़बड़ कर सकता है ना, कि जो बी आर है आपका उसके वजह से जो एनवायरमेंट है आपके मिथाइल कीटोन का वो अलग अलग हो सकता है, राइट। मतलब क्या हो गया आपका, देखो सो दिस इज आर्थो टू बी आर, दिस वन इज ऑल्सो आर्थो टू बी आर, और ये जो है आपका नीचे वाला ये हो गया प्यारा टू बी आर। अब यहाँ पे देखा ये जाएगा तो इन मिथाइल कीटोन का एनवायरमेंट बी आर की वजह से अलग अलग हो गया, तो ऑब्वियसली आपके पास ये बता सकते कि जो मिथाइल ग्रुप है हमारे, ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप, ये तीनों सेम नहीं हो सकते, राइट। हाँ भले ही आपका ये दोनों सेम हो जाएंगे, ए ए जो मेंशन किया है ए और ये दोनों सेम है, और ये वाला अलग हो जाएगा और आपका बेंजीन का एक स्ट्रक्चर, हालांकि जो मिरर प्लेन सिमेट्री दिखाता है ये, ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि सो इट शुड बी द आंसर शुड बी व्हाट योर थ्री नंबर ऑफ सिग्नल शुड बी देयर। सो ए वाला एक है, देन बी वाला है आपके पास और एक सी वाला, सो यह थ्री, अगेन इट इज ए एन ए टी टाइप ऑफ द क्वेश्चन, सो आंसर शुड बी व्हाट थ्री नाउ। लेट्स रिमेंबर दिस रिएक्शन अगेन। तो यहाँ पे एक ग्रुप यहाँ पे शायद ओ एस आई एम ई थ्री का था, यहाँ पर ओ एस आई एम ई थ्री, तो ये जो रिएक्शन है आपकी ये भी एक टाइप 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन है, तो पहले इन दोनों की रिएक्शन आपकी हो जाएगी। सो जैसे ये आपका डाइन है और ये आपका डाइनोफाइल है, यहाँ पे आपकी रिएक्शन हो गई और बनने के बाद आपको जो साइक्लोहेक्सिन जो है वो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। ये वाला आपको प्रोडक्ट मिल रहा है ओ एस आई एम ई थ्री है आपका, यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप दिया हुआ है और यहाँ पे कहीं तो भी आपने साइनाइड लिखा हुआ, ठीक है। अब हो क्या सकता है कि जनरली क्या होता है कि वन सबस्ट्रेट डाइन ऑलवेज गिव द व्हाट वन टू प्रोडक्ट इज मेजर एंड टू सबस्ट्रेट डाइन्स आर गिव द व्हाट द वन फोर इज अ मेजर प्रोडक्ट। तो बेसिकली अगर देखा ये जाएगा आपका कि जो मिथॉक्सी ग्रुप है और ओ एस आई एम ई थ्री, इसमें से आपका सबसे पहले हाइड्रोलाइज कौन होगा, अब यहाँ पे रिएजेंट नहीं है इस वजह से याद नहीं आ रहा है कि इसका क्या होना चाहिए, ठीक है। बट एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या आपका कॉन्जुगेटेड साइनाइड के साथ आपका प्रोडक्ट बनना चाहिए, ये एक्चुअल नहीं है इसका आंसर। अब इसका आगे क्या कर सकते हैं हम, इसका अगर हमने इसको एस आई एम ई थ्री को रिमूव कर दिया तो आपका ये वाला जो डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे जा सकता है आपका, राइट। सो ये वाला आपका कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट में जा सकता लाइक दिस, ये वाला, ठीक है। ऐसा आपका एक्सपेक्टेड आपका जो है वो रह सकता है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए ओ एम ई, फिर ओ एम ई का भी कन्वर्शन कर सकते हैं आप, सो देन इट विल बी कार्बोनाइल ग्रुप, सो देन डबल बॉन्ड विल बी शिफ्टेड टू हियर ऑल्सो। सो थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन है ये, इसके ऑप्शन याद नहीं है इस वजह से। देन रिएक्शन ऑफ अ टू आर थ्री आर ब्रोमो थ्री मिथाइल पेंटेन रिएक्ट्स विद सोडियम मिथॉक्साइड गिव्स। अब पहले तो टू आर थ्री आर का स्ट्रक्चर निकालना है हमको और उसके बाद ही हम आगे बना सकते हैं। तो ब्रोमीन और मिथाइल ग्रुप जो है ये दो और तीन पोजीशन पे है, ठीक है, और उस पर हमने सोडियम मिथॉक्साइड की रिएक्शन की, एक E2 रिएक्शन का एग्जांपल है ये। और हमको पता है कि हमेशा इसमें से दो चीज़ें याद रखनी होती है कि आपका जो अल्किन बनने वाला है वो हाईली सब्स्टिट्यूट बनना चाहिए एक तो, यानी कि वो सेट्जेप रूल को फॉलो करना चाहिए, और दूसरा अगर वो ट्रांस बनता है सो इट विल बी मोर स्टेबल। सो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, एक तो ई बनना चाहिए और एक ज़्यादा आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन आपका ई और जेड, बाकी तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेशन वाले हैं नहीं, तो इस वजह से अपन इसको याद रख सकते हैं इसको। अब ई जेड में बात करेंगे अपन, यहाँ पे देखो सो ये है स्ट्रक्चर 3R और 2R का। अभी 3R कैसे आ गया पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। सो पहले इसको मैं नंबरिंग देता हूँ, सो BR विल बी द फर्स्ट, सेकेंड विल बी हेयर, थ्री विल बी हेयर एंड फोर्थ विल बी द हाइड्रोजन, ओके। तो 1, 2, 3 कैसे जा रहा है आपका, ये जा रहा है एंटी क्लॉक वाइज और आपका हाइड्रोजन जो है अबोव द प्लेन है, सो इट बिकम्स एस बिकम्स एन आर, तो ये हो गया आपका आर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी, सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस विल बी अगेन 4।
ये किस तरह से जाएगा आपका, सो 1, 2, 3 ये कैसे जा रहा है आपका, ये भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है आपका, तो हाइड्रोजन आपका अबाउट द प्लेन है, तो एस बिकम्स एन आर, तो ये भी आर हो गया, वो भी आर हो गया, 2R। अब मैकेनिज्म अगर हम देखना है इसको, तो ये कैसे रहेगा मैकेनिज्म, हमको क्या करना है, सबसे पहले योर हाइड्रोजन विल बी एब्स्ट्रैक्टेड फर्स्ट, है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन जा सकती है आपकी वाली, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जाने के बाद क्या हो जाएगा आपका, योर प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस वन, ठीक है। सो प्रोडक्ट आपका रहेगा E3 मिथाइल पेंट 2-ईन। चलिए एक बार ये भी देखते हैं, अब यहाँ पे इस तरह से आपका रिएक्शन आपकी होगी, सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, लेट्स लुक टू द अनदर फोटोकेमिकल रिएक्शन। सो साइक्लिक मॉलिक्यूल दिया है आपका ये वाला, और उसमें आपने फोटोकेमिकल रिएक्शंस करवाई है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या होगा, H होगा आपका, हाइड्रोक्सी ग्रुप था पहले, फिर हमने NOCl की रिएक्शन की है, NOCl की रिएक्शन करने से क्या हो गया, OH का आपका हाइड्रोजन, कंसिडर कर कीजिए कि यहाँ पे OH आपका था और हमने NOCl की रिएक्शन की, तो दिस Cl एंड दिस H विल बी लिबरेटेड एंड फाइनली यू गेट द प्रोडक्ट इज ONO, बराबर है। अब ये नाइट्राइड कॉम्प्लेक्स जो है ये आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन दिखाता है, और ये हो गया अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा। सो डेल्टा कार्बन पे आपका कार्बनिक कंपाउंड प्रोड्यूस होगा, और इस रिएक्शन को बोला जाता है बार्टन ऑक्सीडेशन। ओके, सो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, और इस तरह से इसका आंसर रहेगा, ठीक है, दिस कॉल द बार्टन ऑक्सीडेशन। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन फ्रॉम इनऑर्गेनिक बेस केमिस्ट्री। चलिए, तो आपको यहाँ पे शेप ऑफ द मॉलिक्यूल निकालना था अकॉर्डिंग टू VACPR के हिसाब से होता है, तो ClF3 दिया हुआ है, XCOF2 दिया हुआ है और XCO3F2 दिया हुआ है, देन अजाइड। ClF3 का स्ट्रक्चर जो अकॉर्डिंग टू वैलेंस अकॉर्डिंग टू VACPR 3 के हिसाब से ऐसा होता है कि ClF3 जो है ये आता है आपका NS2NP5 में, टोटल इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 में से आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेड हो जाएंगे, यानी कि 3 बॉन्ड पेयर हो गए, और जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बचते हैं 4 वो हो गए आपके 2 लोन पेयर, तो इस वजह से 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, सो 2+3 यानी कि हो गया 5 मतलब होता है sp3d, या फिर इसका आंसर क्या रहेगा आपका dsp3, राइट। सो दिस विल बी योर आंसर, सो ये बिकम्स ए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और इसका शेप अगर निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, ये शेप विल बी टी शेप। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि XeOF2, अब XeOF2 अगर है एग्जाम्पल दिया हुआ, तो ज़ेरॉन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से आपके पास 2 शेयर हो जाएंगे ऑक्सीजन के साथ और 2 हो जाएंगे फ्लोरीन के साथ, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन आपके शेयर हो गए, 4 आपके अनशेयर्ड है, 4 अनशेयर्ड है मतलब 2 लोन पेयर और यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर, सो 2 लोन पेयर एंड हाउ मेनी, सॉरी 3 बॉन्ड पेयर, सो 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर के हिसाब से स्ट्रक्चर तो ये आना चाहिए उसका, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, सो हियर 2, 1, 1, 4, 2 और ये 2, बराबर, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आपका आएगा कौन सा, अगेन टी शेप, XeOF2, ठीक है। ज़ेरॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि NS2NP6 इसका कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए ऑक्सीजन के लिए, 2 चले गए इधर के लिए, 4 चले गए आपके पास, बराबर है, तो इस तरह से 3 बॉन्ड पेयर, सो एग्जांपल है 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, तो टोटल आंसर हो गया 5, यानी कि फिर से आपका sp3d या dsp3, ठीक है, यानी कि ट्राइगोनल बाइपिरामिड। लेट्स टॉक अबाउट द XeO3F2 नाउ। XeO3F2 के लिए ज़ेरॉन आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन तो आपके पास ऑक्सीजन के लिए चले गए, 2 चले गए फ्लोरीन के साथ, 6 और 2 कितने होते हैं 8, यानी कि पूरे के पूरे बॉन्ड पेयर्स हैं, तो इस तरह से आपका रहेगा आंसर ट्राइगोनल बाइपिरामिड। और लास्ट एग्जांपल आपका N3, N3 में हमको पता है कि कोई सेंट्रल एटम नाइट्रोजन रहेगा, और इस तरह से इसका ये फाइनल स्ट्रक्चर है। ओके, सो दिस इज द व्हाट योर स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन प्योर थ्योरी। देन क्वेश्चन था आपका कि स्ट्रेंथ आपको निकालनी है, लेविस एसिड स्ट्रेंथ जो है फॉलोइंग बोरॉन हैलाइड्स की निकालनी होती है। अब बोरॉन हैलाइड जो होते हैं, बोरॉन जनरली क्या है, sp2 में आता है, वो लेविस एसिड है पहले से, बिकॉज उसके पास वैकेंट pz ऑर्बिटल है और वो प्लैनर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब उसको अगर कोई देने वाला ग्रुप रहेगा, सो इट विल बिकम स्टेबलाइज, बराबर है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किस हिसाब से निकाली जाती है, तो ये है हमारा कंसेप्ट ये वाला। तो जनरली बोरॉन हैलाइड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इस तरह से होती है, नेदर हमारे पास क्या कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बढ़ेगी तो एसिडिटी भी बढ़ती है, बट यहाँ पे कुछ कंसेप्ट आपका अलग है, ठीक है। तो फ्लोरीन क्या करता है कि फ्लोरीन और बोरॉन की अगर हम ऑर्बिटल साइज अगर देखेंगे तो दोनों की सिमिलर आती है, राइट। और जिस वजह से क्या हो गया कि लोन पेयर जो होते हैं वो जल्दी से शेड हो सकते हैं आपकी कहाँ पे, फ्लोरीन के और बोरॉन के साथ में, तो इस वजह से क्या होगा, उसका वैकेंट ऑर्बिटल आपका फुलफिल हो गया, मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा है ना फ्लोरीन से, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर और क्यों लेगा, है ना। तो लेविस एसिड किसको बोलते हैं अपन, जो लोन पेयर एक्सेप्टर है, बट जैसे जैसे हम साइज बढ़ रही है हमारी,
किसकी, आपके हैलोजन की, तो वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग है या इलेक्ट्रॉन बैकबॉन्डिंग अपन बोलेंगे उसको, तो वो आपका नहीं होगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका बोरॉन आयोडाइड जो होता है ना, ट्राई आयोडाइड, वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। और इस हिसाब से ये आपका एक डायग्राम है यहाँ पे, ये क्या दिखाता है कि बोरॉन के पास ये है वैकेंट पी जेड ऑर्बिटल, क्या बोलेंगे इसको, पी जेड, और इनके पास आपके पास नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्लोरिन के पास, वो इलेक्ट्रॉन पेयर आपके जा रहे हैं कहाँ पे, बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में। अब जैसे जैसे आपके हाइड्रोजन की साइज बढ़ रही है, वैसे वैसे आपका जो बैकबॉन्डिंग का जो कंसेप्ट है, यानी कि फ्लोरिन टू बोरॉन वैकेंट ऑर्बिटल, ये होगा क्या, पॉसिबल नहीं होता है। इस वजह से वो आपका बोरॉन का ऑर्बिटल आपका फ्री रहेगा, सो इट विल बी टेक्स द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, क्वेश्चन आपको जो था वो मिक्स्ड हैलाइड्स का था। मिक्स्ड हैलाइड्स में क्या होता है कि जितने ज़्यादा आपके पास ये कॉन्सेप्ट रहेंगे उस हिसाब से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए इसमें पहले केस में दो फ्लोरिन बीआर है, बाद में दो फ्लोरिन एक सीएल है आपका, बाद में एफ सीएल बीआर है और एफ बीआर टू है। सो बेस्ड ऑन दैट हम अगर इसको आइडेंटिफाई करेंगे, जिसकी जितने ज़्यादा साइड्स रहेंगी, ज़्यादा साइज रहेगी हाइड्रोजन के आइटम की, वो उतना ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दियर प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ पे ये साइमन स्मिथ का एग्जांपल दिया हुआ है, ऑलरेडी आपके पास सिलिकॉन यहाँ पे दिया हुआ है। सिलिकॉन ग्रुप क्या करता है यहाँ पे, तो चेलेशन करेगा उस हिसाब से जिंक के साथ में, और आपका साइक्लोप्रोपेनेशन जो है वो सेम साइड से होगा। तो योर आंसर विल बी लाइक दिस, ओके। तो ये आपका आंसर रहेगा। ऑर्डर हम निकाल सकते हैं इसकी डेल जीरो की, यानी कि हम ये बता सकते कि अगर हमने क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग का कंसेप्ट पढ़ा होगा तो उस हिसाब से इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है ये। तो जनरली क्या होता है कि क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग जो है ना, ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड होती है आपकी। एक तो यहाँ पे देखना होता है आपका मेटल कौन सा है, मेटल आपके सबके सब 3D से बिलोंग कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फिर देखना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे अपन, जिसकी जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी पॉजिटिव में, वो उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा अपने तरफ, लिगैंड के साथ इंट्रैक्ट करेगा, सो स्प्लिटिंग विल बी लार्जर। या फिर हम देखते हैं लिगैंड्स के बारे में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जो ज़्यादा रहेगा वो हमेशा स्प्लिटिंग ज़्यादा दिखाता है, और देन वीक फील्ड लिगैंड। अब अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कार्बन डोनर की जो है वो ज़्यादा रहेगी, देन नाइट्रोजन डोनर, देन ऑक्सीजन डोनर है ना, हाइड्रोजन। आपके पास एग्जांपल है पहले CN का, तो सबसे पहले ये आएगा, फिर ऑक्सीजन है, फिर आपका हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। तो ये आंसर विल बी लाइक दिस। एक क्वेश्चन था आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, आपको निकालना है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हम निकालते हैं योर म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेट्रॉन। एन मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपके पास वैलेंस नहीं, क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो CO H2O6+ में आपका कोबाल्ट जो है वो कितना आता है, कोबाल्ट कितना आता है आपका, कोबाल्ट है D7 में। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम निकाल रहे हैं इसकी, तो आपके पास D7 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपका किस तरह से फिलअप होगा, तो उस हिसाब से अपन इसको प्रोसीड करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमको ये लिखना होता है कि दिस इज़ सपोज T2G एंड दिस इज़ EG नाउ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D7 है, तो पहले एक आ गया, दूसरा, फिर तीसरा, फिर 4, देन 5, देन 6, देन 7। दैट मीन्स योर 3 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, एक ये वाला, एक ये वाला और ये के वाला। अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर है, तो आपके पास जो इक्वेशन है वो इस तरह से रहेगा आपका, n इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेट्रॉन, और ये वाला जो रहेगा वो 3 इंटू 3+2। तो ये ओवरऑल अगर आप इसका आंसर निकालते हैं तो बराबर है, तो इसका कितना आना चाहिए, 3.87 या 3.90 के आसपास आपका आंसर आएगा, ठीक है, लाइक दिस। अगर इसकी CFAC वैल्यू पूछी जाती है, तो हम इसका जो -0.8 इसका CFAC रहेगा। सो इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड बिकॉज दिस वन, तो इन जनरली क्या होता है कि CFAC वैल्यू जो है वो कैसे निकालते हैं अपन, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9। इसकी CFAC जो है वो सिंपल वे से अपन CFAC के फॉर्मूले में रख के भी निकाल सकते हैं। सो 0.4, 0.8, 4, 8, 12, 6, देन 0, देन 4, 8, 12, 6, बराबर है 4, 8, 12, 6, 0, 4, 8, 12, 6, 0, देन D10 का भी कितना आएगा आपका 0.0। सो बेसिकली आपका D7 अगर है तो आपका आंसर ये रहना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर CFAC पूछा है तो, और मैग्नेट्रॉन बोर मैग्नेटिक मोमेंट अगर पूछा है आपको मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये आंसर शुड बी 3.9990 लाइक दैट।
सो अनदर क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिकली ये सल्फर एलाइड का क्वेश्चन आपका था और यहाँ पे एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल आपको दिया है, और जब कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल आपको दिया जाता है, अभी आपके पास सल्फो ऑक्सोनियम दिया है और एक सल्फोनियम दिया है, तो सल्फो ऑक्सोनियम जो है आपका स्टेबलाइज में जाता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, और ये आपका डिस्टेबलाइज में आता है, तो हमेशा इसकी जो रिएक्शन है वो साइक्लोप्रोपेनेशन में जाएगा, मतलब साइक्लोप्रोपेनेशन अगर होगा आपका तो हम इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या लिख सकते हैं, ये वाला, यानी कि साइक्लोप्रोपेनेशन हो गया यहाँ पे, बाकी का ग्रुप इंटैक्ट, ठीक है, दिस इज कॉल ऑर्डर साइक्लोप्रोपेनेशन, इट्स अ 1,4 एडिशन रिएक्शन। और जब हम इसकी बात करते हैं सो दैट वन प्रोसीड एडवर्ड द कार्बोनिल ग्रुप, यानी कि ये होगा आपका इपॉक्सीडेशन, फिर इसमें आपका डबल बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा, ठीक है, योर डबल बॉन्ड इज इंटैक्ट एंड हियर इपॉक्सीडेशन विल बी डन आर हियर। सो लाइकवाइज दिस आर द टू रिएजेंट विच शो द टू डिफरेंट रिएक्टिविटी हियर, वन इज कॉल्ड ऑक्सोनियम जो है आपका साइक्लोप्रोपेनेशन करता है और ये इपॉक्सीडेशन करता है, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए कोरी चाइकोवस्की रिएक्शन। सो दीज आर द क्वेश्चंस जिसको अपन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी बोल सकेंगे इसको, अब जितने क्वेश्चंस ट्राई हो सकते हैं उतने को ट्राई करने की कोशिश की है यहाँ पे, अब इसमें कुछ मिस्टेक हो सकती है, सो काइंडली इसमें आप कमेंट बॉक्स में भी आप इसमें डाल सकते हैं कि अगर कुछ यहाँ पे मिस्टेक हुआ है तो, ठीक है, बाकी गेट की जो ऑफिशियल आंसर की एज वेल एज क्वेश्चन पेपर जब आएगा तब उसको अपन फिर से उसको जो है वो आसानी से देख सकते हैं उसको, या फिर आप जितने भी रॉन्ग्स हुए हैं या फिर जो भी करेक्शन है हम वहाँ पे उस टाइम पे कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर ये आपको कुछ हेल्पफुल लगता है सो यू कैन प्लीज़ शेयर, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, सो थैंक यू।